friends, welcome to Train Your Mind. This is Satya Mandal, your mind power trainer, NLP expert and counselor. It's a great pleasure and experience for me to provide all these resources through this beautiful platform. It's my commitment to provide you all the right paths and real solutions based on the actions, not the words. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था मेरा प्रीवियस वीडियो में वो सेवन स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जो कि हम लोग का इनर एनर्जी हाउस को एक्टिवेट करने के लिए वो शुरू करने से पहले आइए जानते हैं जो साइंस को बेस कर ये सब डेवलप किया हो वो साइंस का इम्पैक्ट हम लोग का लाइफ में क्या क्या हो सकता है वो थोड़ा डिटेल्स नहीं शॉर्ट में जानेंगे उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का जो जर्नी है सेवन स्टेप्स के लिए इस साइंस का नाम है NLP, Neuro Linguistic Programming. आज दुनिया में इस साइंस को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहा है जहाँ तक मेरा समझ है ये साइंस को लेकर अगर हम लोग लाइफ में जो भी चाहते हैं वो रियली अचीव करना चाहते हैं तो ये साइंस ही एक ही माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं ये साइंस के पास बहुत सारे प्रूवन टेक्निक्स है जिसको यूज करके हम लोग कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं चाहे वो कोई बीमारी का इलाज हो या कोई सक्सेस का पाथ हो आज मैं ये साइंस के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में ये साइंस का इम्पैक्ट बहुत सारे है मैं रेनमलेरिया से 7 साल तक इफेक्टेड था उसी समय मेरा कुछ सर्जरी भी हुआ था और सबसे बड़ी बात है कि आई हैड लॉस्ट पार्ट ऑफ माई मेमोरी एट दैट टाइम लेकिन बिलीव मी इसके टेक्निक्स को यूज करके मैं बहुत बेनिफिट्स पा चुका हूँ और आज मैं टोटली फिजिकली फिट हूँ और जो भी कुछ अचीव किया हूँ वो कहीं ना कहीं इस साइंस के ही इम्पैक्ट से सिर्फ मैं ही नहीं आज दुनिया में लाखों लोग इसको अपना चुके हैं और इसका बेनिफिट जो है वो पा चुके हैं आज बहुत सारे डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज ब्लड प्रेशर माइग्रेन या कैंसर जैसा इनक्यूरेबल डिजीज को हील कर चुके हैं लाखों लोग सिर्फ ये नहीं ये टेक्निक्स को यूज करके थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसमैन प्रोफेशनल या स्टूडेंट्स अपना जिंदगी में कंसंट्रेशन सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस को हाई कर चुके हैं ये साइंस इतना इफेक्टिव होने का एक ही रीजन है कि ये हम लोग का इनर साइंस है हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग का अंदर एक एनर्जी हाउस है जो कि अनलिमिटेड है ये अनलिमिटेड एनर्जी हाउस हम लोग को सब कुछ दे सकता है जो हम लाइफ में चाहते हैं चाहे वो कोई बीमारी का इलाज हो या कोई सक्सेस का पाथ हो इसीलिए मेडिकल साइंस जो भी डिजीज को इनक्यूरेबल बोलता है ये साइंस उसको इनक्यूरेबल बोलता है यस इनक्यूरेबल दैट मींस इनक्यूरेबल ये मेडिकल साइंस का लैंग्वेज है लेकिन एनएलपी साइंस उसको बोलता है इनक्यूरेबल That means incurable. Yes, my dear friends. Incurable means incurable. That is incurable. जो बीमारी का इलाज बाहर की दुनिया में नहीं है वो अंदर की दुनिया में है That's the impact of this science. लेकिन इसमें जो main problem है वो है हम लोग इसको easily believe, accept या adapt नहीं कर पाते क्योंकि ये हमारा इनर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है आज हम लोग का बिलीफ सिस्टम ऐसा हो चुका है कि हम लोग आउटर वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं उसको इजीली बिलीव एक्सेप्ट या एडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन जब बात इनर वर्ल्ड की आती है तो हम लोग का बिलीफ सिस्टम टोटली नेगेटिव हो जाता है हम लोग हमारा वर्क्स फ्रेंड्स रिलेटिव्स नाइबर्स एनवायरमेंट्स ये सब के बारे में हर वक्त ध्यान देते हैं या डिस्कशन करते हैं लेकिन हमारा थॉट्स वर्ड्स एक्शंस या परसेप्शन के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं यही है हम लोग का रूट प्रॉब्लम क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है हम लोग का थॉट्स वर्ड्स एक्शंस या परसेप्शन ये हम लोग का इनर वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है आज के टाइम में यही है सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क मैं डेली हजारों स्टूडेंट से मिलता हूँ और उनसे जब पूछता हूँ ये सब चीज के बारे में तो हम लोग को इजीली बिलीव नहीं होता आज हम लोग का बिलीव सिस्टम ऐसा हो चुका है कि हम लोग
बाहरी दुनिया को इजीली एक्सेप्ट बिलीव या एडप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है अंदर की दुनिया या इनर वर्ल्ड के बारे में तब हम लोग का बिलीफ सिस्टम नेगेटिव हो जाता है। हम लोग इजीली इसको बिलीव एक्सेप्ट या एडप्ट नहीं कर पाते। लास्ट में जब हम लोग का लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटीज आ जाती है तब हम लोग अपना लक या भगवान को ब्लेम करते रहते हैं। ये कितना सही है ये आप सोचिए। सो बिलीव मी, अगर आप भी ये साइंस का जो प्रोसेसेस है उसको अपना लाइफ में बिलीव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपना सकते हैं, तो यू कैन डू मिरेकल एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, बिकॉज इट्स द लैंग्वेज ऑफ माइंड, इट्स द साइंस ऑफ माइंड, दिस इज द माइंड साइंस। और हम सब जानते हैं कि हम लोग का लाइफ में जो सबसे पावरफुल डिवाइस है वो है हमारा माइंड। इसीलिए तो बोलते हैं हम लोग का लाइफ में जो भी होता है उसके लिए ना तो हमारा शरीर, ना तो हमारा भाग्य, ना तो हमारा भगवान जिम्मेदार है। उसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंड। अगर आप भी अपना लाइफ को सच में सफल बनाना चाहते हैं तो इसके हर स्टेप्स को अपनाइए, अपना लाइफ में अप्लाई कीजिए और उसके बाद देखिए इसका कमाल क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद ये साइंस का हर एक प्रोसेस, टिप्स या टेक्निक्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड ये जो बेल बटन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जो वीडियो पहले आपके पास पहुँच सकता है।